हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी मैन 2। एपिसोड 1 तक की स्टोरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी है। चलिए एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। चाओ चाओ अपने रूम में एक मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी जिनयन वहाँ आता है। उससे कहती है चाओ चाओ, जिनयन अपने हनीमून के लिए क्या हम यूरोप चलें? तो जिनयन कहता है तुम डिसाइड कर लो। तो वो कहती है शेंग मिंग को मैंने तुम्हारे 1 वीक के वोकेशन के बारे में बता दिया है, वैसे हमें यूरोप में कहाँ जाना चाहिए, चलो सर्च करते हैं। तो जिनयन कहता है बाद में डिसाइड कर लेना। तो चाओ चाओ कहती है नहीं, मुझे फ़्लाइट बुक करनी है वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो जिनयन कहता है आज हमारी मैरिज की 1st नाइट है, क्या हम कुछ और बात करें? तो चाओ चाओ कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आती हूँ। तो वो उसको रोक लेता है। यहाँ इन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। वेल आगे जैनशी एक पार्टी में आती है, उस पार्टी में डायरेक्टर किन भी होता है। तो वो उससे कहती है ये बहुत छोटी दुनिया नहीं है। तो वो उससे कहता है लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ मिला है जबकि कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों है? तो वो कहती है दुनिया हमेशा कुछ लोगों के साथ अन्याय करती है। वो उससे कहता है ये तुम्हारे लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा, लेकिन कभी कभी सब कुछ मिलने से अच्छा कुछ ना मिलना होता है। तो वो चली जाती है वहाँ से। बेल आगे चाओ चाओ जिनयन का एयरपोर्ट पर वेट करती है और कहती है वो अभी तक क्यों नहीं आया है? तो जिनयन वहाँ आता है और कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। तो चाओ चाओ कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुम किसी खतरे में तो नहीं पड़ गए थे? तो जिनयन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक ट्रैफिक में फंस गया था। तो चाओ चाओ कहती है हम पेरिस नहीं जा सकते, हमारी फ़्लाइट निकल चुकी है। तो जिनयन कहता है ठीक है चलो मेरे साथ में। तो वो कहती है कहाँ चलें? तो वो कहता है शब मैं शेंग मिंग पर छोड़ दो और वो लोग आगे यूरोप आते हैं। तो चाओ चाओ कहती है ये रिजॉर्ट काफ़ी फैमिलियर है, बिल्कुल मेरी 1st मूवी की सेट की तरह है। तो जिनयन कहता है मुझे ये जगह बेहद पसंद है, मैं तुम्हें एक दिन यहाँ लाना चाहता था। तो चाओ चाओ कहती है ये जगह सच में याद रखने लायक है, यहाँ की हवा खुशबूदार है, ये हमारा हनीमून वेन्यू होगा। तो जिनयन चाओ चाओ से कहता है मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम पेरिस डेफिनेटली लेकर जाऊँगा और कहता है मेरा वेट करो मैं अभी आता हूँ। तो चाओ चाओ उसका वेट करती है, तभी उसकी हील के पास में एक पर्ल आता है। तो वो उसको उठा लेती है। उसी टाइम एक लेडी आती है, वो कहती है ये मेरा पर्ल है। तो चाओ उसको दे देती है, वो लेडी उसको थैंक्स कहती है। तो चाओ चाओ उस लेडी को एक रैपर देती है और कहती है इसको रैप कर लो ये फिर नहीं गिरेगा। तो वो लेडी कहती है आप बहुत काइंड हैं, वैसे मेरा नाम जैनी है और आप? तो चाओ चाओ कहती है मैं चाओ ई हूँ। तो जिनयन वहाँ आता है और कहता है चाओ चाओ हमारा रूम रेडी है। तो वो लेडी जिनयन को हक करती है और कहती है जिनयन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कॉन्सिडेंस है? तो जिनयन कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो चाओ चाओ उस लेडी से कहती है तुम भी जिनयन को जानती हो? तो वो लेडी कहती है हम दोनों काफ़ी क्लोज हैं। तो वो उससे कहती है मैं तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। तो उस पिक में जिनयन और वो लेडी काफ़ी क्लोज होते हैं। तो चाओ चाओ शॉक हो जाती है। तो जिनयन चाओ चाओ से कहता है मेरी बात सुनो। वो लेडी जिनयन से कहती है हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, तुम मुझे भूल नहीं सकते। तो चाओ चाओ कहती है तुम दोनों बातें करो मैं जा रही हूँ। तो वो जाती है। तो जिनयन उसके पास आता है उस लेडी का हाथ छुड़ाकर और चाओ चाओ से कहता है मैं सच में उसे नहीं जानता। तो चाओ चाओ कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो जिनयन कहता है वो फ़ोटो ज़रूर एडिट की गई होगी, डोंट वरी मैंने तुम्हारे साथ में ही केवल फ़ोटो क्लिक किए हैं। तो चाओ चाओ कहती है आई ट्रस्ट यू। फिर आगे वो दोनों एक साइकिलिंग पर जाते हैं जहाँ जैनी भी आती है और वो गिर जाती है। तो चाओ चाओ उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? तो जिनयन से वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है, आओ और मुझे ट्रीट करो। तो जिनयन चाओ चाओ से कहता है रहने दो वापस आ जाओ, ये लगता है नाटक कर रही है। तो जैनी जिनयन से कहती है प्लीज़ मुझे साइकिलिंग सिखा दो। तो चाओ चाओ कहती है तुम साइकिलिंग में अच्छे हो, इसकी हेल्प कर दो, और वहाँ से जाने लगती है। तो वो बहुत काइंड होती है, वो उसकी चलाकी समझ नहीं पाती है। तो जिनयन जैनी से कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। ये कहकर वो चाओ चाओ के पास चला जाता है और कहता है बिलीव मी मैं उसे सच में नहीं जानता। तो चाओ चाओ कहती है आई बिलीव यू। जिनयन कहता है मैं तुम्हारे लिए वाटर गर्म कर देता हूँ, तुम्हें वार्म बाथ की ज़रूरत है। इधर चाओ चाओ को एक कॉल आती है फ्रंट डेस्क से, वो उसका आईडी मांगते हैं उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चाओ चाओ वहाँ चली जाती है। इधर जिनयन बाहर आता है और चाओ चाओ को बुलाता है वाटर के लिए, लेकिन उसके बेड पर जैनी होती है, वो उसको एक बार फिर से पकड़ लेती है। तो जैनी से वो कहता है तुम यहाँ पर दोबारा कैसे आ गई, मैं तुम्हें सच में नहीं जानता हूँ, आई एम वार्निंग यू। तभी चाओ चाओ वहाँ आती है, उनको एक साथ देखकर शॉक हो जाती है। तो एक बार फिर वहाँ से वो जाने लगती है उनको देखकर। तो जिनयन उसके पास आता है और कहता है चाओ चाओ मेरी बात सुनो, तुम नाराज़ हो लेकिन मैं उसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो रूम में कैसे आ गई, मुझे लगा उस ब्लैंकेट में तुम हो। तो चाओ चाओ कहती है तुम उसे झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम दोनों तो काफ़ी क्लोज थे। तो वो कहता है
देखो मेरे पास प्रूफ है, मुझे शेंग मिंग ने एक पिक भेजी है। उस लड़की को ये सब करने के लिए किसी ने कहा है और उसके अकाउंट में 1 लाख अमाउंट ट्रांसफ़र करी है, तो वो पहले दिन से ही मेरे पीछे थी। तो चाओ चाओ कहती है ये उसने किसने किसके कहने पर किया है। तो जिनयन कहता है चाओ चाओ ये दुनिया हर दिन चेंज होगी, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। मेरा हार्ट सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, मेरा दिल कभी नहीं बदलेगा, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम ही है। तो चाओ चाओ कहती है सॉरी जिनयन, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तो जिनयन कहता है इट्स ओके। वेल, इन दोनों का यहाँ क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है। इधर शू जियामो शियानशी को एक कार में जाते देखता है और वो भी उसी उसका पीछा करता है। वेल, इधर जिनयन चाओ चाओ से कहता है तुम उठ गई, मैं तुम्हारे लिए कैपेचिनो लाया हूँ, मुझे पता है तुम्हें ये बेहद पसंद है। और कहता है तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। तो वो कहती है पॉरिज, तो वो उसके लिए बनाने जाता है। इधर चाओ चाओ को जैनशी का एक मैसेज आता है, अगर तुम जिनयन की रेपुटेशन नहीं गिरना देना चाहती हो तो तुम मुझसे नीचे कॉफ़ी शॉप में आकर मिलो। इधर जियानशी हॉस्पिटल में बेबी चेकअप के लिए आती है, तो नर्स उससे कहती है कुछ मेडिसिन खरीद लो। इधर जिनयन का स्टेप ब्रदर जो श्यामू उसके लिए मेडिसिन खरीदने जाता है, तो शियानशी उसको देख लेती है और कहती है तुम्हें यह करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रहा था। तो वो कहती है हेल्प या हार्म, और कहती है शू जियामो आई एम वार्निंग यू, आई एम मैरिड, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। इधर चाओ चाओ जैनशी से मिलने के लिए आती है और कहती है मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ होगी। तो वो कहती है इस संसार में काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, और उसको जिनयन एंड जेनी की क्लोज वाली पिक दिखाती है। देखो तुम्हारा हबी पीठ पीछे क्या कर रहा है तुम्हारी। तो चाओ चाओ कहती है मैं इस लड़की को जानती हूँ, इसने ये किसी के कहने पर करा था और मैं जिनयन पर बिलीव करती हूँ। तो जैनशी कहती है रियली यू ट्रस्ट हिम। तो चाओ चाओ कहती है ऑफ कोर्स, शादी एक विश्वास से जुड़ा रिश्ता है। तो जैनशी कहती है अगर ये फोटो पब्लिक में या मीडिया में चली जाए तो तुम क्या करोगी। तो चाओ चाओ कहती है अगर तुम सच में ये करना चाहती हो तो तुम मेरा सामना नहीं कर सकोगी, तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है तुम जिनयन को छोड़ दो। तो चाओ चाओ कहती है तुम जानती हो दैट्स इम्पॉसिबल। तो जैनशी कहती है फिर तुम देखो मैं तुम्हारे हबी की रेपुटेशन कैसे गिराती हूँ पब्लिक में। तो चाओ चाओ कहती है एक बार फिर से इस बात पर ध्यान कर लो। तो वो कहती है मैं तुम्हें एक दिन देती हूँ उस पर विचार करने के लिए। इधर जोशियामू शियानशी से बात करने की एक बार फिर कोशिश करता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और वो अपने कज़िन से बात करती है, वेल जिसे वो अपना हस्बैंड कहती है वो उसका कज़िन है। वो कहती है थैंक्स मेरी इतने समय तक हेल्प करने के लिए। तो उसका कज़िन कहता है मेरी वाइफ का मुझे कॉल आया है, वो मुझे बुला रही है, अब मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारी हेल्प और नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें अपना और बेबी का ख्याल खुद ही रखना होगा। तो वो कहती है थैंक्स मेरी इतने दिनों तक हेल्प करने के लिए। उसका कज़िन कहता है अब मैं वापस तब आऊँगा जब तुम बेबी को जन्म दोगी। आगे जैनी और जैनशी एक बार बात करते हैं। तो जैनी जैनशी से कहती है क्या आप मुझे वो क्लिप दिखा सकती हैं जो आपने बनाई है। तो वो उसको वो क्लिप दिखाती है, इधर जैनशी भी खुश हो जाती है। तो जैनी उस क्लिप को लेकर चाओ चाओ को दे देती है और वो अब चाओ चाओ के लिए वर्क करती है। तो चाओ चाओ उससे कहती है मैं और जिनयन तुम्हारा आभारी हैं। तो चाओ चाओ उसको एक कार्ड देती है और कहती है ये तुम्हारे लिटिल ब्रदर का नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लो। तो चाओ चाओ वहाँ से चली जाती है। इधर जैनी एक फ्लैशबैक में जाती है जिसमें चाओ चाओ ने उससे कहा था मैं जिनयन और मैं 11 ईयर्स की एज से एक दूसरे के साथ हैं, हमारी रिलेशनशिप इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई भी आउटसाइडर इतनी आसानी से तोड़ सके। तो वो कहती है तुम क्या चाहती हो। तो चाओ चाओ कहती है मुझे पता है तुम्हारी मॉम और तुम्हारा ब्रदर एक केस में इन्वॉल्व है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इनकी इन्वेस्टिगेट में, और मैं जानती हूँ तुम उन्हें एक बेटर लाइफ देना चाहती हो। और वो उसे डील कर लेती है और कहती है जैनी मैं समझ गई, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, इस मैटर को मैं अब हैंडल कर लूँगी, मैं वो वीडियो पोस्ट नहीं होने दूँगी। इधर जैनशी बेहोश खुशी से जागती है और कहती है वो क्लिप कहाँ गई। तो जैनी का उसको एक मैसेज आता है वो क्लिप ऑलरेडी चाओ ई के पास है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुमने जो किया तुम उसकी हकदार हो। इधर जिनयन चाओ चाओ को थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए, और इन दोनों का क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है। इधर इसके एम्प्लॉई का कॉल आता है और वो कहता है प्रेसिडेंट लू जैनशी ने क्विट कर दिया है,
तो वो कहता है मैं आकर सब कुछ संभाल लूँगा वापस आकर। इधर जैनशी अपना सामान पैक कर रही होती जहाज जाने के लिए, तो उसका एम्प्लॉय कहता है तुमने प्रेसिडेंट लू का हमेशा साथ दिया है, तुम इस तरह जाना क्यों छोड़ रही हो। तो वो कहती है मैं एक रेस्पॉन्सिबल वुमैन हूँ, मैं बिना तुम लोगों मेरे बिना अब तुम रियलाइज़ करोगे तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो वो कहती है तुम कंपनी के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो। तो वो कहती है मेरे जाने के बाद में तुम लोगों को ये रियलाइजेशन होगा। और वो वहाँ से जाने लगती है, तभी चाओ चाओ एंड जिनियन कंपनी आते हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तो जिनियन अपने एम्प्लॉय से कहता है जैनशी के जाने के बाद जितना भी काम है मुझे दिखा देना, मैं सब हैंडल कर लूँगा। वेल इधर जैनशी प्रेसिडेंट किन की कंपनी आती है और कहती है प्लीज़ मुझे आप ज्वाइन कर लो। तो वो कहते हैं तुम मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। तो वो कहती है मैं एक परफेक्ट वुमैन हूँ, मैं कंपनी के सारे लॉसेस को हैंडल कर सकती हूँ, क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगे। वेल वो बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। इधर आगे जिनियन कंपनी के पूरे दिन का काम करता है, क्योंकि जैनशी के जाने के बाद उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो वो उसे हैंडल करता है। नेक्स्ट डे उसकी एम्प्लॉय उससे कहती है ड्रामा की कंडीशन अभी तक वैसी ही है, अभी तक किसी ने भी डील साइन नहीं की है। इधर चाओ चाओ को उसकी एम्प्लॉय कॉल करती है और वो कहती है जैनशी कॉन्ट्रैक्ट लेकर जैंगमैंग कंपनी गई थी। तो वो कहती है सॉरी मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। चाओ चाओ कहती है जिनियन भी इन दिनों बहुत बिजी है, अगर वहाँ कोई काम हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। इधर कंपनी में शूजियामो जिनियन के पास एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और कहता है इस फिल्म की इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है, ये हमारे लिए अच्छी कमाई कर सकती है, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने मुझे ड्रामा के लिए एक चाइनीज़ एक्ट्रेस देखने के लिए कहा है। जिनियन मुझे लगता है चाओ चाओ के लिए ये एक अच्छा चांस है, तो मुझसे बात क्यों नहीं करते। तो जिनियन जियामो को थैंक्स कहता है, वो कहता है फैमिली में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इधर चाओ चाओ एक रियलिटी शो में गई होती है, उस शो की होस्ट उससे कहती है क्या आप मैरिड लाइफ के बाद भी फिल्म करेंगी। तो चाओ चाओ कहती है हाँ मुझे मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है। तो उसकी होस्ट कहती है हम आपकी सक्सेस के लिए कामना करते हैं, आप एक अच्छी क्वीन बनेंगी। आगे चाओ चाओ की एम्प्लॉय उससे कहती है तुम कितनी काइंड हो, प्रेसिडेंट लू भी तुम्हारे लिए काफ़ी काइंड है, मूवी इंडस्ट्री में तुम शादी के बाद भी कदम रख रही हो। तो चाओ चाओ कहती है स्टॉप इट, अभी मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो उसकी एम्प्लॉय उससे कहती है डोंट वरी तुम एक मूवी क्वीन ज़रूर बनोगी। तो चाओ चाओ कहती है इस तरह मत कहो, मैं अभी पूरी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑडिशन कैसे पास करूँगी। तो वो कहती है तुम ज़रूर करोगी। इधर प्रेसिडेंट किन आते हैं उसी इंडस्ट्री में मीटिंग के लिए और चाओ चाओ से कहते हैं चाओ ई हम कितने दिन बाद मिल रहे हैं। तो वो कहती है हाँ ये आप ही हो जिन्होंने मुझे चाओ ई नेम दिया है। और कहती है अगर आपने मुझे बिजनेस नहीं दिखाया होता तो अभी मैं कुछ भी नहीं होती। तो प्रेसिडेंट किन कहते हैं नहीं मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन पर ही तुम्हें रखा है, तुम इसके योग्य हो। प्रेसिडेंट किन का एम्प्लॉय कहता है हम यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आए हैं। तो वो कहते हैं चाओ चाओ से मैं अभी आता हूँ, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो तभी चाओ चाओ का शूज़ खुल जाता है तो प्रेसिडेंट क्वीन उसका शूज़ बांधते हैं। तो चाओ चाओ कहती है आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। वेल एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।